फादर थे ना वो राय राय साहब थे उनका है देखो उसमें नाम भी लिखा हुआ। हेलो गाइस तो हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। गाइस तो हम एक व्लॉगिंग वाला बड़ा सा लड़का यहाँ पे भी है। हम दोनों ही व्लॉगिंग में अच्छे हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अपना नाम बताओ। आप छोटे ब्लॉगर हो। See guys, recognize me as a blogger. Please support me. अच्छी बात कही आप। Ask them to subscribe my channel. Come on, ask them. थोड़ा सा और भी तो करते हैं, सबको दिखा दे। हाँ, हेलो सब हेलो बोलना जी अब। हेलो जयराज। हाय। वो रह गए भैया, वो भैया रह गए। हेलो बोलो। हेलो। Hello, Larry. Hello, please. So, guys, today we are going to explore Cafe Greek Orchid. So, we came here. लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना कैफे में जाने का मन नहीं करा क्योंकि ये छुटकू और इसके पेरेंट्स दोस्त who are the owner of Cafe Greek Orchid. तो मतलब I am so fascinated कि मैं कैफे में ना जाके इनके घर पे आ गया हूँ and I have started to explore their home. तो मैं आपको इनका होम टूर भी देने वाला हूँ और साथ साथ हम कैफे का कुछ खाना भी ट्राई करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। लेट्स गो। चलो चलो पापा से मिलाते हैं। हाँ जी, सबको अब सबको एक एक टर्न से। ठीक है। हाय जयराज, हेलो फ्रेंड्स, आई हैव अ मैसेज फॉर एवरीवन। वी शुड ऑल हैव गुड फूड एंड लिसन टू गुड म्यूजिक ऑल द टाइम। चीयर्स। ओ कुछ और भी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लो आप। आज हमारे कैफे में कोई इवेंट चल रहा है जिसकी वजह से हम कैफे में नहीं जा पाए, तो आज हम होम टूर करा रहे हैं। इज द गाय। हाय। तो इनके लिए मैं मतलब छोटा हूँ इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए। He is chef de cuisine. He is from JW. No, he is a senior. Yeah, he is a senior chef. ये बड़ा हो गया था अपने होटल में। आपने तो करा ही नहीं। हम दोनों चलो आप तो करो। हम दोनों ही करेंगे ना। चलो श्योर श्योर चलो ठीक है। Yes. My name is Jairaj. There. You have to tell to your audience. My name is Jairaj. Tell your name. My name is Saurabh Rathore and my channel's name is Modern Grammy. Father थे ना वो राय राय साहब थे उनका है देखो उसमें नाम भी लिखा हुआ। Great grandfather तो वो है। और ये पापा जी के फादर लाला जी भाई 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 इन्होंने ये इनकी सोलन की फोटोग्राफ सोलन में हिमाचल उस समय वो लोग सोलन घूम रहे हैं। लव मैरिज है। माँ जी 7 साल बड़ी है। और ये जो बक्सा जो संदूक आप देख रहे हो इनके फादर का संदूक है। ये इनके फादर का वो अशर्फिया कहाँ है ये बताओ। वो अशर्फिया कहाँ है। बट गई ये हमारा रॉकस्टार। ये रही ना अशर्फी सबसे बढ़िया अशर्फी है ना आपकी। हेलो गाइस वी आर जस्ट प्लेइंग अ ड्रम पिक। Yeah.
सो गाइज वी हैव टोल्ड यू कि आज ये पूरा बुक्ड है, इस वजह से मैं पूरा यहाँ पे बैठ के नहीं बना पाया। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर का सेटअप। कलिए शायद तुझे छोड़ दे इस खुशी का भरोसा नहीं। कलिए शायद तुझे छोड़ दे इस खुशी का भरोसा नहीं। तो जो चांद चांद कहकर तुझे सर चढ़ाता है, जो चांद चांद कहकर तुझे सर चढ़ाता है, एक दिन बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। So guys, this is their menu. You can check it out. बहुत ही amazing चीजें आपको मिलने वाली हैं। And finally, we have got the table. And we have got our dishes ready. Thank you so much, Mr. Sehgal. He is busy in talking. Rahul bhai, how's the presentation? Very nice. It's beyond expectation, yaar. Correct. आप cinematics check करना तब बताना। As we are having some hummus, some pitas. Guys, drink ka? This is fajitas. Pan majito. This is the pan majito. Pan majito is also here. I won't have because mera thoda gala kharab hai. So how is fajitas? Fajita kar liya usne? Maza aa gaya na? Yes. Taste ek number hai Rahul bhai. Back. And Mr. Sehgal to bolenge kyunki unka to cafe hai, dekho. Nahi, jokes apart, taste ek number hai. Seriously. So guys, ये है loaded nachos and chef the cuisine is here to serve us. मतलब आज तो पूरे महंगी वाली फील आ रही है भाई। Oh my god. Great. भाई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, एक साथ सब कुछ लाया। मैं तो इसको पूरा Please try it. Sure. Try. ले राहुल। Nachos वैसे हम लोग खाते नहीं, लेकिन loaded nachos मेरे को मिस्टर सैगल ने बताया कि यू मस्ट ट्राई इट। फेमस द रेस्टोरेंट। मुझे मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है सर। थैंक यू। अच्छा लगा बंदा ऊपर। नाउ कैसा भाई? बहुत बढ़िया, बेस्ट। मतलब मेरे को नाचो वैसे पसंद नहीं है, बट दीज आर चुम्बेश्वरी लोडेड नाचोस, मज़ेदार। आप लोग आओ यहाँ पे ट्राई करना, ये ज़रूर ट्राई करना। और फजीताज भी मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। सो शेफ ऐसे खाते हैं, हमें तो ये पता भी नहीं था। इनिशियली योर चीज है राहुल भाई की फरमाइश पे नूडल्स जरूरी है ना? जरूरी है भाई, मैंडेटरी है। इंडियन थिंग, हमने इसको इंडियन बना दिया ना, क्योंकि अब ये चाइनीज नहीं रही। सो गाइस, अभी हमने इतना ज्यादा खा लिया ना, मतलब जितनी भूख थी उससे भी ज्यादा खा लिया। तो एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सैगल से टू से सम फ्यू वर्ड्स।
अबाउट योर कैफे एंड योर होटल। हाय जयराज। हेलो। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू यू नो फीचर आवर कैफे। एंड सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी फैमिली से। किसी भी चीज़ को करने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो पूरी जगह है जहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमारा कैफ़े है, वी हैव दिस ओल्ड फैशनड हेरिटेज बिल्डिंग, दैट्स अ हाउस, एंड देन वी हैव अबाउट एक हमारी 18 रूम्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है होटल सुख सदन के नाम से। ये भी फैमिली की देन है, बड़ों की देन है और इसी धरोहर को हम लोग संभाल रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। सो फैमिली का सपोर्ट है, बड़ों का सपोर्ट है एंड फिर डैड का, दादाजी लोगों के, अब उसके बाद वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैरी ऑन विद द सेम कल्चर। तो बेसिकली बिलीफ यही है कि अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी क्वालिटी देनी है। मैंने अपने बोथ माई ग्रैंडफादर्स, मेरे नाना जी और मेरे दादाजी, मेरे नाना जी का आप लोगों ने सुना होगा एलोराज ग्रुप, जिसमें एलोराज बेकरी, मेल्टिंग मोमेंट्स सब आते हैं। अनुपम शॉल्स, उन्होंने 30 ईयर्स तक अपना एक अलग वेंचर शॉल्स का भी बहुत अच्छा चलाया। और ग्रैंडफादर ने मेरे सुख सदन को खैर बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करा, उसी की हम लोग आज देन है, मतलब वी आर एंजॉयिंग दैट फैसिलिटी। तो बेसिकली उनसे मैंने यही सीखा है बड़ों से कि क्वालिटी देनी बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी डिलीवर करना ही हमारा सबसे अच्छा मोटिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव है। तो हमारा लिंक्ड बिजनेस है, वी हैव अ होटल, एज आई सेड वी हैव अ कैफ़े एंड वी आर इनटू टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूरिज्म भी हम करते हैं बिकॉज दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग अस एंड थैंक्स टू द ऑडियंस। आई वुड रियली अप्रिशिएट, आप लोग आइए, इंजॉय कीजिए। वीकेंड्स पे हमारे यहाँ शाम को म्यूजिकल सिटिंग्स होती हैं, बहुत ही कैजुअल सी होती है, कोई फॉर्मल सिंगर्स नहीं होते। हम लोग, आप लोग जो भी म्यूजिकली इंक्लाइंड है, आप आ सकते हो शाम को 6 से 9। हम लोग लाइव कैरियोके भी करते हैं, कभी कभी ढोलक हारमोनियम वाला म्यूजिक भी करते हैं। सो वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड वी लव टू बी विद सिंपल पीपल। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। एंड इनकी हॉस्पिटैलिटी ना एक नंबर है, सीरियसली ट्रस्ट मी, एक नंबर हॉस्पिटैलिटी है। मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया और मेरे साथ जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा मजा आया। तो गाइज, विद दिस सेट आई एंड माई व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।